वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स हू अक्षत कुमार। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन एट होम। तो गाइस, आज की वीडियो है हाउ टू बी कंप्लीट अवर SST हॉलीडे होमवर्क। तो आई एम इन अ 9th स्टैंडर्ड, और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को मोस्ट ऑफ द मिलते हैं। ओह माय गॉड, मेरे पेपर हो रहा है। तो गाइस, ये वीडियो फॉर द 9th क्लास SST हॉलीडे होमवर्क 8th-9th के लिए है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी 8th-9th में जो है वो सेम रहती हैं। 10th-9th एक सी होते हैं, बट जो थोड़ा बहुत सिलेबस है वो 8th से मैच करता हुआ होता है 9th क्लास में। 7th, ठीक है। तो 7th कब? मैं तो मुझे मिले हैं क्या मुझे मिला है प्रोजेक्ट किसके ऊपर मिला है मुझे मिला है प्रोजेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, जो मुझे मिला है मेरी बुक में, 7th क्लास की बुक में मुझे इसका टॉपिक मिल चुका है। 15 पेज का मेरे लिए ये आया है डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर तुम्हें जहाँ पे फोटो यूज़ करने हैं वो करो, मेरे पास 3 डायग्राम्स है इसमें बुक में, और इसमें 8 पेजेस हैं, बट 8 के बहुत सारे पेजेस बन रहे हैं मेरे अभी तक। 7 पेजेस, 7वां पेज में लिख रहा हूँ। तो हम आपको बताएंगे कि आपको डायग्राम कहाँ चिपकाना चाहिए, आपको क्या क्या मेन पॉइंट लिखने चाहिए आपकी बुक में से। उसके लिए ये वाली हम वीडियो जो है क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि 9th की क्लास के बच्चे या इससे जो थोड़े मिलते जुलते हैं 6th-7th-8th के बच्चों के लिए हमने ये चैनल खोल रखा है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो उसके लिए, और जो हमें लिखने में हमारा ऐसा ना लगे बोरिंग लिखाना चाहिए, जिसमें हमें लिखने में वो आए कि हाँ ये लिखी, मतलब कि लिखते वक्त भी हमें अच्छा लगे कि भाई ये लिख रहे हैं हम, तो हमें मतलब कि लिख रहे हैं हम तो सही समझ में भी आ रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपनी पेजेस। पहले आप लोग देख सकते हैं मेरे टेबल पे, यहाँ पे मैंने ये रख रखा है, पेन्स वगैरह रख रखे हैं यहाँ पे जो मुझे चाहिए, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क में स्केचेस भी यूज़ होते हैं। तो मैंने 2 स्केच रख रखे हैं, रेड पेन्स ऐसे रख रखे हैं ये, क्योंकि इसमें ऐसे रखे रहते हैं। ब्लू ब्लैक पेन से मैं समय वर्क कर रहा हूँ, ब्लैक पेन भी मोस्ट ऑफ द इसमें रखा है, और ब्लू पेन मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ ये यहाँ पर रखा है। तो मैं आया हूँ 7th पेज पे, यहाँ पर मैंने थोड़ा हाईलाइट करा इससे, और मैंने इसे ऐसे कर दिया। तो गाइस, और मेरा बाकी का जितने पेजेस मैं लिख रहा हूँ वो सब इसके अंदर हैं, और न्यू पेजेस जो हैं वो इसमें, वैसे मैंने बहुत सारे न्यू पेजेस जो हैं ले रखे हैं। बहुत ही सिंपल सोवर फाइल बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है आपके टीचर्स एकदम, क्योंकि हम पहले आपको मैं बता देता हूँ, क्लास 7th की बुक है ये। टॉपिक हमारा दे रखा है डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लास 9th का हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं इससे। हॉलीडे होमवर्क क्लास 9th कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा है देख सकते हैं आप लोग, पहले मैंने लिखा है अंडरस्टैंडिंग, पहले डिजास्टर मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से मैंने टॉपिक जो है वो डाल दिया है। मैं आपको अपने पेजेस शो करता हूँ, वेरियस माई पेजेस गाइस, 2 मिनट्स आई विल टेक माई पेजेस। तो इट इज़ माई पेजेस गाइस, आई एम सेलेक्टिंग विच पेज आई हैव टू शेयर विद यू, बिकॉज मेरा 6th पेज है, 5th पेज ये रहा, और 4th पेज ये रहा, 3rd ये रहा, 2nd ये रहा, और 1st यही है, वही नहीं गया। तो फर्स्ट पेज पे आते हैं, फर्स्ट पेज मैंने सबसे ऊपर क्या डाला, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि टॉपिक यही था अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर हमारा ये दे रखा है। मैंने पूरा अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर, क्योंकि सबसे पहले हम डिजास्टर को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे से, देखिए आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो 2nd पेज है, अब मैं आपको बुक से समझा दूंगा, पहले मैं आपको एक बार फाइल बाद में शो कर दूंगा। तो हाँ, मैंने आपको पहले तो ये समझाया कि ना हमें स्केच से कैसे करना। अब आ जाते हैं हम बुक पर। तो सबसे पहले देखिए गाइस, हमें डिजास्टर मैनेजमेंट समझना है, तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, डिजास्टर में सबसे पहले हमारा टॉपिक भी दे रखा है, तो इसे हमें समझने में लिखने में मज़ा भी आएगा, और हम लिख भी रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक,
अगर किसी का ये दे रखा है तो वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक अगर उन्हें नहीं फाउंड हो पा रहा तो ये रहा। और उसके बाद मैंने ड्यूरिंग ऑफ डिजास्टर, ये पूरा पेपर जो है ये मेन है, क्योंकि इसमें हमारा जो ये अंडरस्टैंड ही कर रहा है पूरे डिजास्टर को, क्या क्या होता है कि इसमें डिजास्टर में। ठीक है गाइस, तो मैंने ये पूरा पेपर जो है बिल्कुल हिसाब से अच्छे से विद डायग्राम, ये वाला डायग्राम मैं इसकी फोटो स्टेट करूँगा, देखो मैंने इसमें टिक भी लगा रखा है, तो इसके फोटो स्टेट होगी। सेकंड पेज पे आ जाते हैं, सेकंड पेज हमारा है, इस पे है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो ये आपको थोड़ा यहाँ तक, यहाँ ये आपको थोड़ा लिखना बोरिंग होगा, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक और ये, लेकिन इसे हमने डिजास्टर मैनेजमेंट लिखना तो है ही समझना, तो इसे मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है। ठीक है, ये भी समझना। उसके बाद हमारी टेबल्स आ जाती हैं। मैं अगर भाई हमारे 20 पेज, 25 पेज, 50 पेज की फाइल होती या मतलब 30 पेज की होती तो हम मुझे ये भी उतारना पड़ता, क्योंकि अभी तो मेरे पास और बाकी के पेजेस हैं, मैं उन्हें लिख लूँगा तो मेरी फाइल जो है कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होते तो मुझे ये तो लिखना पड़ते। तो हम गाइस इन्हें पेपर भरने के लिए एज एन टेबल नहीं क्रिएट करते, ऐसे जैसे इसमें टेबल क्रिएट हो रही ना, ये नहीं करते। हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर लिखते हैं, उसके सामने उसके टॉपिक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सॉरी कॉजेज, हाउ इट्स फाउंड। तो ये हम इसके कॉजेज लिख देते हैं। ठीक है, कॉजेज ये रहा, इफेक्ट्स लिख देते हैं ये रहा, कॉजेज एंड इट्स फाउंड, उसका इफेक्ट अलग है, इफेक्ट वाला टॉपिक ये है, उसका टाइप इफ एनी, उसका इनकी कैटेगरीज। तो हमारे ये नीचे नीचे ऐसे 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 तो हमारा क्या है, बहुत सारे पेपर ऐसे मतलब भर जाते हैं, हमारा 30 पेज की फाइल कंप्लीट हो जाती। ये रहा पेपर, ये रहा, हम इस सबको जिसमें नहीं थे वो हम ऐसे अपने ब्लैंक छोड़ देते। ठीक है, मतलब कि उसमें तो कुछ लिखना ही नहीं था, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक नीचे से। बट अभी मेरे पास है 15 पेजेस, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, हमें अंडरस्टैंडिंग और तो सुनामी लिखने में मज़ा भी आएगा ना, अंडरस्टैंडिंग सुनामी लिखने में वो भी आएगा, सही भी है। तो मैंने ये वाला टॉपिक लिया है, ये वाला टॉपिक लिया है, कॉजेज ऑफ तो सुनामी मैंने ये वाला छोड़ दिया कॉजेज इसके, और उसके बाद मैंने लिया है टाइप ऑफ तो सुनामी, उसके बाद सुनामी मतलब टी तो साइलेंट है, और उसके बाद मैंने लिया है डिजास्टर मैनेजमेंट इन केस ऑफ सुनामी एंड सुनामी वार्निंग सिस्टम, ये सब मैंने वार्निंग वगैरह, व्हेन आ सुनामी अकर कब होती है, और इसका डायग्राम ये वाला गाइस, और ये वाला डायग्राम लिया है मैंने। ठीक है, उसके बाद बस इसे मैं यहाँ तक कंप्लीट करके, बस यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हमें लिखने में गाइस क्या होगा, मज़ा भी आएगा और लिखा भी जाएगा, और हमारी SST की फाइल थोड़ी बोरिंग बनती है, इस वजह से मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता दिया। गाइस अगर आपको ऐसे ही और किसी हॉलीडे होमवर्क में कंफ्यूजन हो रहा हो या कुछ भी है तो मुझसे क्लियर करिए, और मैं अपनी ये वाली फाइल जो है कंप्लीट करके ज़रूर डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, जिससे कि आप लोगों को जो है हेल्प मिले, और क्लास 9th के बच्चे जो हैं उन्हें हिंदी इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क चाहिए तो वो भी बताइए, मेरा वो कंप्लीट हो चुका है बहुत पहले ही, तो मैं वो भी डाल दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए तो। उसके बाद मेरा साइंस और मैथ का भी हॉलीडे होमवर्क रह गया है, आफ्टर माई मैथ वो आफ्टर माई SST आई हैव टू डू, और अभी बहुत दिन, बहुत कम दिन बचे हैं, तो आई हैव वॉन्ट टू डू।